जैसे मैंने नंबर सिस्टम बताया था, नंबर सिस्टम में थोड़ा सा कंफ्यूजन बताया था किसके थ्रू, नंबर लाइन के थ्रू. ओके, टुडे आई विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द बेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर. दिस इज इंपॉर्टेंट and mathematics start from here. Now I will discuss about decimal number system, how decimal numbers are formed, what is the place value of a particular digit, what is the face value of a particular digit, how can we make the numbers, how can we pronounce the numbers like 12 125 1025 100 1125. How we say this? हम इसको कैसे बोलते हैं कि 1125 कैसे आया आपके? तो this is the magic of place value and face value of the number. Without place value and face value, you cannot tell how much it is and you cannot tell how it came. ना बता सकते हैं कि कितना है, ना आप बता सकते हैं कि ये कैसे आया. दूसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, place value और face value के थ्रू जो हम जानेंगे. बेस वैल्यू और फेस वैल्यू के थ्रू ही हम कंफ्यूजन करना सीखते हैं नंबर विच इज ग्रेटर देन 9. ओके, विच इज ग्रेटर देन 9. चूंकि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 to 9 हमारे पास डिजिट है. नंबर तो लिखा हुआ दिखता है 125, तो लोग सोचते होंगे कि 125 लिखा हुआ है, इसमें तो 9 से ज्यादा हो गया. 9 से ज्यादा डिजिट नहीं यूज हुआ 125 में. देखो 1, 2 और 5 ही यूज हुआ है. 1, 2 और 5 के विदिन किसमें है? 0 to 9. विदिन किसमें है? 0 to 9. जो नंबर हमारे बनेंगे वो हमारा 0 से 9 के बीच में जो डिजिट है उससे ही मिल के बन पाएगा, अदरवाइज उसके बियॉन्ड कोई नंबर हम नहीं बना पाएंगे. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा प्लेस वैल्यू जानना. नंबर क्या होता है? नंबर मैंने पीछे की क्लास में भी बता दिया है कि नंबर हमारा क्या होता है. नंबर हमारा होता है सेट ऑफ डिजिट. ओके, सेट ऑफ डिजिट, दीज आर डिजिट. ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, दीज आर द डिजिट. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ बी डिजिट वी फॉर्म ए नंबर. हम एक नंबर बनाते हैं किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम. तो नाउ कम टू फाइंड आउट हाउ टू find the place value of it. I am saying that this is number. Why this is number? ये number क्यों है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्या है. set of digits है. आपको set of digits बता दिया कि क्या मतलब कितने digit लेना है. 0 to 9 digit ही लेना है when you are forming decimal number system. अगर हम किसी नंबर सिस्टम के विषय में बात कर रहे हैं, हम चाहे डेसिमल नंबर सिस्टम हो चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम हो, तो हर नंबर सिस्टम में एक बेस होता है. आप केवल बेस जान लीजिए, बेस वैल्यू क्या होता है. जैसे डेसिमल का बेस वैल्यू क्या हो गया? 10. डेसिमल का बेस वैल्यू क्या होता है? 10. तो हमें डेसिमल का बेस वैल्यू जान लेना जरूरी है. बेस वैल्यू क्या होगा? 10. अब इसी बेस वैल्यू के हेल्प से हम सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे. यही बेस वैल्यू है जो हमारे हर चीजों को डिसाइड करेगा कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर एंड हाउ ए नंबर कम एंड हाउ ए नंबर इज फॉर्म. एक नंबर कैसे आता है, एक नंबर कैसे बनता है और एक नंबर का नाम हम कैसे डिसाइड करते हैं. जैसे हम करते हैं कि 1125, तो हम कैसे कह देते हैं कि 1125 है, या हम कह रहे हैं कि 125 कैसे है 125 आ रहा है. ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो प्लेस वैल्यू पहले आपको हम बता रहे हैं, पहले फेस वैल्यू आपको बता देते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है. फेस वैल्यू एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फेस वैल्यू जैसे हमने 125 लिखा, तो अगर हम कह रहे हैं व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 5, तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो लिखा हुआ है वही फेस वैल्यू हो जाएगी हमारी. अगर हम फेस वैल्यू फेस वैल्यू 5 तक कह रहे हैं, कितना है? 5 है. इसका 2 का 2 है और 1 का 1. दिस इज फेस वैल्यू. जो नंबर लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखा हुआ है, वही हमारी क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू.
लेकिन प्लेस वैल्यू के लिए हमें दो तीन और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज करने होंगे। प्लेस वैल्यू इतना आसान नहीं है जितना कि फेस वैल्यू आसान है। फेस वैल्यू को जो लिखा हुआ है वही मैंने बोला कि व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 5 तो विल से 5। व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 2 तो 2। व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 1 तो फेस वैल्यू इज 1। बट देयर इज सम कॉन्सेप्ट एंड सम प्रोसीजर टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर। ओके नाउ आई एम कमिंग टू दैट पोर्शन। ओके हाउ आई विल डिसाइड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं। ओके सपोज हमें छोटा सा नंबर ले लेते हैं 1 to 5 ले लेते हैं 1 to 5। इसमें हम कुछ प्रोसीजर करते हैं, देखते चलिए ध्यान से देखते चलिएगा, जैसे करना है वैसे ही याद ही करिएगा। पहले हम क्या करते हैं, हम पोजिशनिंग कर लेते हैं किसका, हम पोजिशनिंग कर लेते हैं किसका, डिजिट्स का। पहले क्या कर लेते हैं, डिजिट्स का पोजिशनिंग कर लेते हैं और वो पोजिशनिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके और इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम 1, इट विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम 0। ओके 0 पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन एंड सेकेंड पोजिशन। ओके आई डिसाइडेड द पोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी डिजिट। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ 5 0 पोजिशन। व्हाट इज पोजिशन ऑफ 2 फर्स्ट पोजिशन एंड व्हाट इज पोजिशन ऑफ 1 दैट इज एन सेकेंड पोजिशन। ओके आई एम स्टार्टिंग पोजिशनिंग फ्रॉम राइट साइड, आई विल नॉट स्टार्ट पोजिशनिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मैं लेफ्ट साइड से नहीं स्टार्ट करूंगा। हमेशा पोजिशनिंग कहां स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। ओके आफ्टर दिस यू हैव टू डू द सेकेंड प्रोसीजर, दिस इज फर्स्ट प्रोसीजर। ओके मैंने कर लिया पोजिशनिंग कर लिया, अब दूसरा प्रोसीजर हम क्या फॉलो करेंगे, इस पोजीशन का और इस पोजीशन का क्या वैल्यू है, इन पोजीशन का क्या वैल्यू है, तो क्या हम उसको नाम दे देंगे पोजीशन वैल्यू, उसको क्या नाम दे देंगे पोजीशन वैल्यू उसका क्या कहना है पोजीशन वैल्यू। ओके तो दूसरा हमने क्या किया, पोजीशन वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, क्या करूंगा पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने कहा था कि बेस 10 होता है, तो इसका एक प्रोसीजर है, आप ध्यान दीजिए कि जो बेस है उसको हम ले लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक एक्सपोनेंट लगाते हैं, घात जिसको बोलते हैं, क्या लगाते हैं घात, वो घात क्या होगा एक्सपोनेंट क्या होगा, जो उस नंबर उस पोजीशन की वैल्यू होगी वो किस पे चला जाएगा 10 के घात को चला जाएगा, 10 के पावर में चला जाएगा, किस पे चला जाएगा 10 के पावर में। तो हमारा ये पहला 10 हमने ले लिया, किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, कितने पावर में 0 जाएगा, 10 पावर 0। तो एक पोजीशन वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा 1 है तो बेस इज 10, घात क्या होगा 1 या पावर क्या होगा 1, 10 पावर 1। दूसरा क्या है, हमने क्या लिया 10, बेस क्या लिया 10, पावर क्या किया 2, तो पोजीशन वैल्यू हमारा डिसाइड हो गया। देख लीजिए नीचे 10 पावर 0 विल बी 1, 10 पावर 2 विल बी सॉरी 10 पावर 1 विल बी 10, 10 पावर 2 विल बी 100। ओके एनी नंबर विच है पावर 0 इज एवरेज 1, आइदर इट इज 1 पावर 0 और 2 पावर 0, 3 पावर 0, 4 पावर 0, 1000 पावर 0, 1000 सॉरी 10000 पावर 0, इट विल एवरेज फ्रॉम 1। अगर किसी नंबर का पावर 0 हो गया तो वैल्यू विल बी 1, अगर किसी नंबर का पावर 0 हो रहा है, जैसे 10 का पावर 0 हो रहा है, 10 का पावर 0, तो व्हाट इज द आउटपुट 1, 10 पावर 1 यू नो 10 इज 10 एंड 10 पावर 2 इट मीन यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 2 टाइम,
10 to 10, okay, this will be 100. If I am saying that 10 multiply 10 power 3, so I will multiply 10 3 times. I will multiply 10 3 times. 3 times करेंगे ना कि 10 को 3 से multiply करें. 10 को 3 बार multiply करेंगे. 10 multiply by 10 multiply by 10 this will be 1000. Okay? तो आपको इसका थोड़ा सा बता दिया हूँ कि 10 power 3, 10 power 0, देखो. अब देखो यहाँ position value आ गई. ओके okay, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसी पोजीशन वैल्यू को किस फॉर्म में लिख लेंगे, 1, 10 और 100. इसको क्या लिख लिया मैंने, 1, 10, 100. ओके okay, इसको क्या लिख लिया मैंने, 1, 10, 100. अब इसी को बोलते हैं 1, 10 and 100. ओके okay, इसी को क्या बोलते हैं, 1, 10, 100. इसको जब हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट के थे पढ़ते थे तो इसको बोलते थे इकाई दहाई और सैकड़ा, इसी को बोलते थे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़. हमको देखिए कितने इंग्लिश याद है. ओके, इसी तरह आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मान, इसको क्या बोलना पड़ेगा, 10 and इसको क्या बोलना पड़ेगा, 100. ओके, तो दिस इज द पोजिशन वैल्यू, दिस इज द पोजिशन वैल्यू. ओके, अब जब हम आ जाएंगे पोजिशन वैल्यू ऑफ डिजिट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पोजिशन वैल्यू ऑफ डिजिट, पोजिशन वैल्यू ऑफ डिजिट. अब यही पोजिशन वैल्यू हमारा क्या होगा, पोजिशन वैल्यू ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, दिस पोजीशन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई पोजीशन वैल्यू. अब हमारा पोजीशन वैल्यू ऑफ डिजिट क्या होगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई पोजीशन वैल्यू. और यानी पोजीशन वैल्यू ऑफ डिजिट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का डिजिट. ओके, प्लेस वैल्यू का डिजिट, बिल्कुल चिंता न करिए, आप थोड़ा सा देखते रहिए, मैं अभी और एग्जाम में लेके समझाऊंगा, एकदम आसान हो जाएगा. अभी पहले टाइम से थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा कि दिस इज टफ, दिस इज वेरी इजी. ओके, तो आप चिंता करेंगे, जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू का फाइव, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू का फाइव, आपको प्लेस वैल्यू 5 का निकालना है. तो आप इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1, 2, 5, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है. आपको बता रहे हैं कि कैसे आ रहा है, आप वहां देखिए, 10 पावर 0 इज 1, 10 पावर 1 इज 10, 10 पावर 2 इज 100, पीछे बता दिया है आपको. अब कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 100. तो आपको अगर हम कह रहे हैं कि प्लेस वैल्यू 5 को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू से पोजीशन वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, प्लेस वैल्यू. उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्लेस वैल्यू. जैसे हम 5 का कह रहे हैं तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, सॉरी फेस वैल्यू कितना है, 5, एंड व्हाट इज पोजीशन वैल्यू ऑफ 5, 1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 5. ओके, इट्स वेरी इजी, यू आर मल्टीप्लाइंग प्लेस वैल्यू विद इट पोजीशन वैल्यू. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. सपोज दैट आई एम आस्किंग व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2, देन व्हाट यू से, फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, देन व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ 2, दैट इज 10, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय 10, दिस विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ये दो का प्लेस वैल्यू होगा. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई पोजीशन वैल्यू 10, दैट इज 20, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ कम टू द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, फेस वैल्यू ऑफ 1 कैसे हम फाइंड करेंगे, इसका फेस वैल्यू क्या है हमारा, 1 है, लेकिन फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके
इसके प्रोजेक्ट वैल्यू थे, इसके पोजीशन वैल्यू थे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वन का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। तो वन का प्लेस वैल्यू क्या होगा, वन मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज 100, ओके, दिस इज 5, दिस इज 20, दिस इज 100। हमने आपसे बोला था कि हम एक नंबर कैसे पाते हैं, ओके, तो अब हम रिवर्स चल रहे हैं। अभी हमने क्या कहा था कि एक नंबर है, एक नंबर में हम पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब थोड़ा सा हम रिवर्स चलते हैं, ये नंबर हमें मिला था पहले, ये हमें नंबर मिला था पहले, तो देखिए हमारा ये आ गया है नंबर 5, दूसरा क्या आ गया है 20, तीसरा क्या आ गया है 100। इन तीनों को अगर आप एड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, एक ही तरह आया हुआ है, किस तरह आया है, प्लेस वैल्यू से ही आया हुआ है। 5 का प्लेस वैल्यू 5, 2 का प्लेस वैल्यू 20, 1 का प्लेस वैल्यू 100, एंड इट विल मेक टूगेदर 125। ये आपको 125 बनाएंगे, ओके, तो दिस इज द प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू हम क्या करते हैं, फिर से आप रिविजन कर लीजिए कि रिविजन हम जब तक इसको रिलेज कर रहे हैं तब तक आपको बता दे रहे हैं, वीडियो सुनते रहिए। क्या होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ये पहले तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारा दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको हम पोजिशन पोजिशनिंग करेंगे, कहां से, राइट साइड से, किस नंबर पर पोजिशन करेंगे, 0 से पोजिशनिंग कर लिया, तो फिर पोजिशन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये पोजिशन वैल्यू फाइंड आउट करना बार बार की बात नहीं है, अब आपको याद कर लेना, 1, 10, 100, 1000, ओके, 10,000 lakhs, 10 lakhs crores and 10 crores, लाइक दिस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द थिंग। सपोज दैट आर राइट मी 1, 4, 5, 6, सपोज आई एम राइटिंग 1, 4, 5, 6। अभी दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं तो थोड़ा सा उसी बैकग्राउंड से बता देता हूं, उसके आगे फिर आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो पोजिशन 0, पोजिशन 1, पोजिशन 2, पोजिशन 3, ये सब का पोजिशन मैंने डिसाइड कर लिया। कहां से डिसाइड किया, हमसे कहा, ध्यान रखने की बात है, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0, आपको 0 से स्टार्ट करना है, नॉट फ्रॉम 1। हमने क्या कर लिया, इसका पोजिशनिंग कर लिया, इसका क्या कर लिया, पोजिशनिंग कर दिया, फिर क्या करेंगे, पोजिशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, पोजिशन वैल्यू, पोजिशन वैल्यू कैसे मिलेगा, हमें जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है और जो पोजिशन था उसके उसके ऊपर हम पावर लगा देते हैं, 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3। तो 10 पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, 10 पावर 1, 10, दिस विल बी 100, दिस विल बी 1000, ओके। तो इसी को हम बोलते हैं 1, 10, 100 एंड 1000। अब हमारा ये डिसाइड हो गया, ओके, अब हमारा क्या डिसाइड हो गया कि हमारा जो पोजीशन वैल्यू क्या आ गई हमारी, अब हम प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ओके, किसको निकालने की कोशिश करेंगे, प्लेस वैल्यू। सपोज हम कह रहे हैं कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ, व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 1, व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने मेथड बताया, यू हैव टू टेक द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, फेस वैल्यू इज 1, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट फेस वैल्यू विद पोजिशन वैल्यू, उस फेस वैल्यू को हम पोजिशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डिजिट का हमारा प्लेस वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां पे फेस वैल्यू का क्या है 1, और प्लेस पोजिशन वैल्यू क्या है 1 का 1000 है, तो दिस विल बी 1000, तो दिस विल बी 1000, ओके। अब इसी तरह हम प्लेस वैल्यू आप किसका ले रहे हैं, प्लेस वैल्यू आप 4, ओके, प्लेस वैल्यू आप 4, प्लेस वैल्यू आप 4 क्या होगा, फेस वैल्यू 4 है और पोजिशन वैल्यू क्या है 100 है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड यू विल गेट 400, ओके ओके। नगे आगे आई एम सेइंग अबाउट प्लेस वैल्यू आप 5,
प्लेस वैल्यू आ 5, तो क्या होगा प्लेस वैल्यू 5 का? 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5। पोजीशन वैल्यू क्या है? 10। तो दिस विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट विल बी 50। दिस इज 50। ओके, नाउ कम टू द सिक्स। ओके, प्लेस वैल्यू आ 6, प्लेस वैल्यू आ 6। तो प्लेस वैल्यू आ 6 क्या होगा? फेस वैल्यू की कितनी है? 6। पोजीशन वैल्यू क्या है? 1। तो दिस विल बी 6। दी आर द प्लेस वैल्यू आर डिफरेंट डिजिट्स हियर। ओके, अब आप प्लेस वैल्यू जान गए। अब आप फिर रिवर्स में चलने के लिए कह रहे हैं आपको कि ये नंबर आया था कैसे। नंबर इस तरह आया था कि देखिए पहला क्या आया हमारा प्लेस वैल्यू 1 का प्लेस वैल्यू क्या आया 1000। इसको प्लस करेंगे 4 का प्लेस वैल्यू क्या आया 400। फिर प्लस करेंगे 5 का प्लेस वैल्यू क्या आया 50। फिर 6 का प्लेस वैल्यू क्या आया 6। एक आपका क्या हो जाएगा 1456। जब आप एड करेंगे तो दिस विल बी 1456। आओ इसको इसी तरह पढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए ये क्या है 1000। इसको क्या बोलेंगे 1000, हमने लिख लिया। इसको क्या लिख लिया 1000। फिर क्या है हमारा 400, इसको भी लिख लिया 400 लिख लिया ना। फिर उसके बाद क्या है हमारा 50, फिर भी लिख लिया कि नहीं लिख लिया। फिर क्या है हमारा 6, इसको लिख लिया 1456। इसको पढ़ने का मेथड है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो दिस इज 1456। हाउ इज कमिंग, आपने इसको देख लिया, आपने इसको देख लिया। थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले लें, सपोज वही जो 125 में लिया था उसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए 125 है हमारा। अब आप देखिए, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1, 10, 100। ओके, तो प्लेस वैल्यू आप 1 will be 1 into 100, दिस विल बी 100। प्लेस वैल्यू आप 2 will be 2 into 10, दैट विल बी 20। एंड प्लेस वैल्यू आप 5 will be 5 into 1, दिस विल बी 5। कैसे आया? मैंने फेस वैल्यू से पोजीशन वैल्यू को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये आ जा रहा है। फेस वैल्यू को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए नंबर कैसे बनेगा हमारा, 100 + 20 + 5 में चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जा रहा है 125। यही तो नंबर दिया हुआ है 125। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 100 then there is 20 you know that 20 then there is 5 5, इसको पढ़ दिया मैंने 125। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, यही तो होता है ना, व्हाट इज द नंबर 125। तो दिस इज द मैजिक ऑफ प्लेस वैल्यू। थ्रू प्लेस वैल्यू यू कैन इमेजिन नंबर कैसे आ रहा है। अब आपने ये देख लिया कि नंबर कैसे आ रहा था, हमने क्या किया, हमने उस नंबर को पहले लिखा, फिर डिजिट के बेसिस पे हमने पोजीशन वैल्यू से उसके फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फेस वैल्यू आ गया। जितनी फेस वैल्यू हमारी आ गई उसको हमने एड जब कर दिया तो हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया। हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया। दिस इज द मैजिक ऑफ प्लेस वैल्यू। और अब मैं समझ रहा हूं कि आप प्लेस वैल्यू शायद समझ गए हूं। दिस इज द प्लेस वैल्यू। हाउ कैन यू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू लाइक दिस, आई कैन फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर। नाउ अगेन आई एम समराइजिंग द थिंग। ओके, हाउ कैन यू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हम कैसे पा सकते हैं, पहले तो हम जो नंबर लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद जितने डिजिट का हो नंबर, 3 digit 4 digit 5 digit 6 digit जितने का नंबर हो, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी क्या कर देंगे, पोजीशनिंग नंबरिंग कर देंगे। डिजिट का क्या कर देंगे, नंबरिंग। एंड नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। पहला कंडीशन है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा। दूसरा हम क्या, हमारा कंडीशन है नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन इज दैट
it will start from right side, and second condition is that it will always start from zero. Okay? फिर हमने कर दिया, उसके बाद अब उस नंबर का, अब उस पोजीशन का हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू, उस पोजीशन का क्या वैल्यू है। जैसे जीरो पोजीशन पे है, तो हमने कहा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा बेस 10 होता है। जो जीरो पोजीशन पे है, पहले हम बेस लिखेंगे 10, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, जो पोजीशन वैल्यू है 10 पावर 0, पावर में क्या ले जाएंगे 0, तो 10 पावर 0 दैट विल बी 1। अब दूसरा आया जो 1 पोजीशन पे है, तो 10 पावर 1 दैट विल बी 10। तीसरे पे आए जो 10 पावर 2 होगा, तीसरे पे अंतर है लेकिन हम स्टार्ट 0 से कह रहे हैं, तो पावर कितना होगा, 2 होगा, हमने आपको दिखाया, तो 10 पावर 200 होगा। इसी तरह 1000 होगा, इसी तरह 10000 होगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उस डिजिट की फेस वैल्यू लेंगे। फेस वैल्यू सिंपल होता है, जो डिजिट है वही फेस वैल्यू हुआ। फेस वैल्यू को पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डिजिट का प्लेस वैल्यू हमें मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। और हमने आपको एक दिखा भी दिया, रिवर साइड में जब हम चलते हैं तो हम नंबर कैसे मिल रहा है, सारे प्लेस वैल्यूज के नंबर के डिजिट के सारे प्लेस वैल्यू को हम जब एड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर 1 से जो नंबर है वही नंबर हमें मिल जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर। ओके, एंड नेक्स्ट आई विल डिस्कस हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स। ओके, हाउ टू कंपेयर टू नंबर, तो हम इसको दूसरी वीडियो में आपको देंगे, दूसरे क्लास में देंगे कि हम कैसे नंबर को कंपेरिजन करेंगे। इसी हम बेस वैल्यू और फेस वैल्यू के हेल्प से हम नंबर को कंपेरिजन करेंगे, एक कंसेप्ट ए यूज करेंगे। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या था, जो हमने आपको होल नंबर सिस्टम बताया था उसमें हमने नंबर लाइन बताया था आपको, 0 to 9 के बीच में कंपेयर करने के लिए हमने एक नंबर लाइन के थ्रू आपको बताया था। हमने उसमें आपको बताया था कि अगर हम दो नंबर का कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम 3 और 4 में कंपेयर कर रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 3 को हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया। उसके बाद हम देखेंगे 4 3 के राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। अगर 4 3 के राइट साइड में है तो 3 will be less than 4, आर 4 will be greater than 3। अगर नंबर कोई किसी नंबर जिससे कंपेरिजन करने जा रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में होगा तो नंबर उससे छोटा होगा, अगर उसके राइट साइड में होगा तो नंबर उससे बड़ा होगा। तो दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कंपेरिजन बिटवीन 0 to 9 जो हमने नंबर लाइन सिस्टम से किया है, और दूसरा प्लेस वैल्यू का हम यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स and this is most important part of the decimal number system. Mathematics start over here. Okay, यहीं से start होता है। After that we will go to the addition, division, multiplication, subtraction, many operations are there. Then you will go to the fraction, you will solve the big expression, you will solve the linear equation. All mathematics that is dependent upon this place value and place value. This is the magic of place value and place value. Okay, so this is all about today's class. And I hope that you are watching the video and you are watching the video very, very carefully. And I hope that this will be helpful to you to understanding the things. Okay, thank you.